Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 हॉलीवुड हॉरर मूवी द लेजेंड ऑफ लायरोना के बारे में। ये कहानी स्टार्ट होती है एक अंधेरे रात से, जहां हम एक माँ और उनके दो बच्चे को जंगल के अंदर से कहीं जाते हुए देखते हैं। पता चलता है ये असल में मेक्सिको बॉर्डर है और ये लोग इलीगली उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत देर तक चलने की वजह से वो लोग थक चुके थे, तो वो लेडी अपने बच्चे को एक जगह बिठाकर खुद जाती है उस आदमी को ढूंढने जो उन्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। मगर जैसे ही वो निकल जाती है, इन बच्चों को किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। कोई उनके नाम से उन्हें बुला रहा था। ये आवाज किसी औरत की थी, तो उन्हें लगता है जरूर उनकी माँ किसी मुसीबत में होगी। लड़का जाता है उन्हें ढूंढने और लड़की इंतजार करने लगती है। जंगल में पता नहीं कहां से बहुत ज्यादा सफेद धुआं आ जाता है और कोहरे की तरह उन्हें घेर लेता है। छोटी सी बच्ची को अकेले डर लग रहा था, तो वह अपने भाई का पीछा करती है, मगर माँ की आवाज से डिस्ट्रैक्टेड होकर वह गुम हो जाती है और भाई से अलग होकर पानी के पास जा पहुंचती है। उधर उसे ढूंढते ढूंढते उसका भाई भी वहां पहुंच चुका था। उसे पानी में एक क्रीपी सा डॉल दिखता है जिससे रोने की आवाज आ रही थी और वह पुतला अपने आप ही मूव कर रहा था। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके थे। वहां से भागने की कोशिश करते हैं वो लोग, मगर तभी पानी में से एक क्रीपी लेडी निकल आती है और घने कोहरे में लिपट कर उन पर हमला कर देती है। देखते ही देखते चारों तरफ धुएं से भर जाता है और वो बच्चे कहीं गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हम मिलते हैं एक और फैमिली से, एंड्रयू, उसकी पत्नी काली और उनका बेटा डैनी। वो लोग मेक्सिको आए हैं घूमने, मगर ये कोई प्लेजर ट्रिप नहीं है। काली को हम बहुत उदास देखते हैं। चारों तरफ इतना खूबसूरत रास्ता, यह सीनिक ब्यूटी, सबसे उसे जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसे दीवार पे बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स दिखते हैं, जिनमें वो दो बच्चे भी थे फर्स्ट सीन वाले, मतलब अभी तक उनका पता नहीं चला। गाड़ी का ड्राइवर एंटोनियो कहता है, वैसे तो ये जगह बहुत अच्छी है दिल दिमाग और सेहत के लिए, मगर हर जगह की तरह यहाँ पर भी कुछ बुरे लोग रहते हैं, उन्हें केयरफुल रहना होगा। फाइनली वो लोग होटल में जा पहुंचते हैं। हम देखते हैं ये एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत बंगलो है। एंड्रयू को तो देखते ही पसंद आ गया था। पता नहीं लोग ऐसे जगहों में क्यों नहीं आते। घर के केयर टेकर वेरोनिका उनका वेलकम करती है, मगर न जाने क्यों उनके बेटे को देखकर ही वो घबरा जाती है। असल में रिजर्वेशन के टाइम एंड्रयू ने मेंशन नहीं किया था कि वो साथ में किसी बच्चे को भी ला रहा है। बिसाइड्स उन्हें काली का चेहरा भी बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। इवन वो काली से पूछती भी है क्या वो मेक्सिकन है। काली इसका जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो अडॉप्टेड थी। अनपैकिंग करते वक्त हम देखते हैं काली के पास एक अल्ट्रासाउंड इमेज है उसके अनबोर्न बच्चे की। बस 6 महीने पहले ही बिचारी का मिसकैरेज हुआ था। वो अभी तक उस शॉक से बाहर नहीं आ पाई। हमेशा खुद को कोसती रहती है, खुद को जिम्मेदार मानती है उस एक्सीडेंट के लिए। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार बन गई। अभी तो उसे रेगुलरली दवाई भी लेनी पड़ती है। इसीलिए एंड्रयू उसे यहाँ पर लेकर आया है उसका मूड चेंज करने के लिए, मगर जगह बदलने से थोड़ी ना कोई माँ अपने बच्चे को भुला सकती है। उस इमेज को काली एक म्यूजिक बॉक्स के ऊपर रख देती है, जिसे छूते ही एक विजन दिखाई देता है उसे, मगर वो चौंकती नहीं, शायद वो यूज्ड टू है। फ्रेश होने के बाद वो लोग कुछ देर के लिए घूमने निकलते हैं और डैनी को जमीन पर मिलता है एक पुतले का हाथ जो देखने में काफी अजीब था। डैनी उसे लेकर खेलने लगता है और खेलते खेलते अपने पेरेंट्स से बिछड़ कर वो जा पहुंचता है एक चैनल के पास। वहां पानी में एक सफेद कपड़ा पड़ा था। जैसे ही डैनी उसे उठाने जाता है, वो कपड़ा उसे जकड़ लेता है और खींच कर पानी के अंदर ले जाने लगता है। डैनी बहुत हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है खुद को आजाद करने की, मगर ये कपड़ा किसी जंजीर के तरह उसे पकड़ कर रखा था। उसके चिल्लाने की आवाज से उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, पानी में छलांग लगाते हैं उसे बचाने। एंड्रयू को तो कुछ फील नहीं होता, मगर कार्ली को क्लियरली लगता है कोई उसका हाथ खींच रहा है। ये वो कपड़ा ही था। डैनी से पूछने पर वो भी कहता है कि उसने पानी में किसी लेडी को देखा है। मार बेटे दोनों ही काफी डर चुके थे, मगर एंड्रयू उनके बातों को सीरियसली नहीं लेता। उसे लग रहा था कार्ली दवाई नहीं ली इसीलिए हेलुसिनेट कर रही है, मगर वो देख नहीं पाता वहां पानी में सफेद कपड़ों में लपेट कर एक लेडी सच में ही खड़ी थी। वो रो रही थी जैसे बहुत दर्द में हो। ये वही एविल स्पिरिट थी जिसने फर्स्ट सीन वाले बच्चों को गायब किया था। तो क्या अभी वो डैनी के पीछे पड़ी है? इस खतरे से अनजान एंड्रयू और कार्ली जाते हैं एक रेस्टोरेंट में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने।
लेकिन वहाँ कुछ गुंडे उन्हें परेशान करने लगते हैं, स्पेशली पेड्रो नाम का एक बंदा। एंड्रू से लड़ाई भी हो जाती है उसकी। फॉर्चुनेटली एंटोनियो आकर उन्हें संभाल लेते हैं, मगर वो उन्हें सावधान भी करते हैं। कहते हैं यहाँ पर लोग गायब होते रहते हैं, स्पेशली टूरिस्ट एंड छोटे बच्चे, इन गुंडों से दूर रहना ही ठीक होगा। उनका डिनर खत्म हो चुका था तो वो लोग घर लौट आते हैं, डैनी को सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। मगर रात के अंधेरे में जब कार्ली खिड़की से बाहर देखती है तो उसे डैनी नजर आता है किसी लेडी के साथ चैनल के उस तरफ जाते हुए। वो और एंड्रू मिलकर उसी वक्त भागते हैं उसके कमरे की तरफ। डैनी सच में ही कमरे में नहीं था तो वो जरूर चैनल के पास होगा। कार्ली और देर नहीं करती, वो जा पहुंचती है उसी स्पॉट पर। तब तक वो व्हाइट लेडी यानी कि वो इविल स्पिरिट डैनी को लेकर पानी के उस तरफ पहुंच चुकी थी। मगर जैसे ही कार्ली पानी में छलांग लगाती है वो स्पिरिट कहीं गायब हो जाती है और उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है एंड्रू की। उसे डैनी मिल चुका है, वो बाथरूम में था। उसे लगता है कार्ली की तबीयत ठीक नहीं तो वो उसे पानी से निकालने जाता है और तभी डैनी फिर से एक बार गायब हो जाता है, इस बार सच में। पूरा घर ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिलता। वेरोनिका उसी वक्त पुलिस बुलाती है मगर पुलिस कुछ नहीं करती। 24 घंटे से पहले वो लोग इस रिपोर्ट को ऑफिशियली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। वो लोग निकल जाते हैं और कार्ली और एंड्रू को एहसास होता है अभी उन्हें ही कुछ करना होगा। तभी उन्हें उन गुंडों की आवाज सुनाई देती है। इतने रात गए वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं ये उनका ही तो काम नहीं। भले ही एंटोनियो उन्हें अश्योर करता है वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन एंड्रू को यकीन नहीं हो रहा था। वो खुद जाता है उन गुंडों से बात करने। वो लोग तब ड्रग्स पैक कर रहे थे। एंड्रू को आते देख घबरा जाते हैं, झगड़ने लगते हैं उससे। काली पेड्रो से पूछती है डैनी के बारे में तो वो लोग ऐसे हंसने लगते हैं कि एंड्रू को गुस्सा आ जाता है और वो घूंसा मार देता है पेड्रो को। पेड्रो भी उसे मारने वाला था मगर तभी उसे किसी का मैसेज आता है उन्हें छोड़ देने के लिए। पेड्रो उन्हें छोड़ देता है और वो लोग घर आ पहुंचते हैं। एंटोनियो उसे फिर से मना करता है हड़बड़ी करने से, मगर एंड्रू को लग रहा था वो गुंडे जरूर कुछ जानते होंगे तो वो उसी रात फिर से उनका पीछा करने जाता है। एंटोनियो भी जाता है उसके पीछे पीछे मगर एंड्रू को बचा नहीं पाता। उसे रास्ते पर वही व्हाइट लेडी दिखती है जिसके साथ डैनी भी था। उन्हें देखकर एंड्रू हड़बड़ी में गाड़ी रोकने की कोशिश करता है और गाड़ी का कंट्रोल लूज कर देता है। गाड़ी जाकर टकराती है एक पेड़ से, वो सेंसलेस हो जाता है। हम उसके पीछे एक दूसरे गाड़ी को रुकते हुए देखते हैं। कोई गाड़ी से उतरता है और एंड्रू का फोन और क्रूसिफिक्स उठा लेता है। दूसरी तरफ हम कार्ली को देखते हैं, अपने बेटे और पति के टेंशन में पागल हो रही थी वो। अचानक उसे डैनी की आवाज सुनाई देने लगती है, ये आवाज घर के पीछे वाले जंगल में से आ रही थी। कार्ली पागलों की तरह उस तरफ भागने लगती है। वो ऑलरेडी एक बच्चे को खो चुकी है, दूसरे को खो नहीं सकती वो। डैनी की आवाज को फॉलो करके वो आगे तो बढ़ रही थी मगर ये जंगल जैसे एक मेज बन चुका था। कार्ली को समझ ही नहीं आता वो किस तरफ जाए। अचानक किसी चीज से टकरा कर वो बेहोश हो जाती है। जब उसका होश लौटता है उसे फिर से डैनी की आवाज सुनाई देने लगती है जंगल के दूसरी तरफ से। इस बार वो और नहीं रुकती, जैसे तैसे उसे ढूंढ ही लेती है। डैनी कहता है उसे वो व्हाइट लेडी लेकर गई थी मगर वो भाग निकला। काली को भी उस स्पिरिट की रोने की आवाज सुनाई देती, फूट फूट कर रो रही थी वो, डैनी को ही ढूंढ रही थी शायद। काली उसी वक्त उसे लेकर घर वापस आ जाती है और वेरोनिका से बात करती है। पता चलता है उसे भी इस इविल स्पिरिट के बारे में सब कुछ पता है। सालों पहले उसकी बेटी एंजेला भी तो ऐसे ही गायब हुई थी। उसकी नजर जिस पर पड़ती है वो बच्चा उसके हाथ से नहीं बचता, वो उसे गायब कर ही देती है। डैनी को लेने भी वो जरूर आएगी। वेरोनिका उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने जाती है, तब तक कार्ली को कहती है अपने कमरे में छुपने के लिए। मगर इतना सब कुछ करके भी उस आत्मा को रोक नहीं पाते वो लोग। जब कार्ली और डैनी कमरे में बात कर रहे थे तो अचानक कार्ली का म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है और जैसे ही वो उसे बंद करने आगे बढ़ती है पीछे से उसका बेटा गायब हो जाता है। वो व्हाइट लेडी सफेद धुएं की तरह निगल लेती है उसे। काली को उसके वेट फुटप्रिंट्स दिखते हैं मगर वो अभी काले रंग का पानी बनकर दीवार के अंदर से चलने लगी थी। काली उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती है और जैसे एक दरवाजे के सामने उस पानी का फ्लो रुकता है काली अपने बेटे को बाहर खींच लेती है। तब तक एंटोनियो भी आ चुका था उसकी मदद करने। उसे भी वो स्पिरिट दिखती है और वो उसे रोकने के लिए शूट करता है। ऐसे वो लोग वेरोनिका के कमरे तक पहुंच जाते हैं।
वहां उसने अपने सारे पूजा के सामान रखे थे। इस कमरे में वो स्पिरिट कभी एंटर नहीं कर पाएगी, यहाँ सेफ है वो लोग। मगर काले को स्पिरिट का राज जाना था, कौन है ये स्पिरिट और डैनी के पीछे क्यों पड़ी है। वेरोनिका बताती है, मेक्सिको में बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स प्रचलित हैं, उनमें से एक है लायरोना की, इंग्लिश में इसका मतलब होता है दी वेपिंग वोमन, मगर ये कोई झूठी कहानी नहीं है, सच है। क्या लायरोना असल में एक मारिया नाम की औरत थी जो सालों पहले इस जगह पर रहती थी। वो प्यार करती थी हर्नांडेस नाम के एक आदमी से जो इस घर का मालिक था, बहुत रिच था वो। उससे शादी करके घर बसाना चाहती थी मारिया, उनकी एक बेटी भी थी जिसे उसने छुपके से जन्म दिया था। हर्नांडेस की पत्नी बीमार थी, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, तो मारिया को लगा बच्चे की खातिर हर्नांडेस उससे शादी करने के लिए जरूर मान जाएगा। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा, हर्नांडेस ने साफ साफ बता दिया वो अपने पत्नी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन इस बच्चे को जरूर अपना सकते हैं वो। वो और उसकी पत्नी मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। इस बात पे मारिया राजी नहीं होती, वो चैनल के पानी में डूबकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। हर्नांडेस उसे उस बच्चे को छीनने जाता है, लेकिन मारिया नहीं देती। उनके बीच हाथापाई होती है और हर्नांडेस एक पत्थर से मारिया को मार डालते हैं। हर्नांडेस ऐसा करना नहीं चाहते थे मगर मजबूरी में हो गया। उसने उस बच्ची का पाल पोस बहुत प्यार से किया, नाम रखा गैब्रिएला, मगर वो जगह हमेशा हमेशा के लिए कर्स्ड हो गई। मारिया के वेंजफुल स्पिरिट अभी भी भटकती रहती है वहां। जो भी बच्चा मिले उसे अपनी बेटी समझ कर ले जाती है अपने दुनिया में। डैनी के साथ भी वो यही करना चाहती है। मगर वेरोनिका एक बात को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड थी। आज तक लायरोना सिर्फ पानी के आसपास के जगह को ही हॉन्ट करती थी, लेकिन अभी वो इस घर में कैसे आ गई? कुछ तो बदलाव हुआ है उसमें, वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी है, मगर कैसे? वेरोनिका की दादी एक बहुत फेमस विच हुआ करती थी। एक बार उन्होंने कहा था, मारिया अपने बच्चे को ढूंढ रही है, जब कभी भी उसे उसका बच्चा आसपास फील होगा, उसकी मदरली इंस्टिंक्ट उसकी हेल्प करेगी उसे ढूंढने में और वो ताकतवर हो जाएगी। पर डैनी उसकी बच्ची तो नहीं है। काली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड्रू का भी कुछ पता नहीं चल रहा था, तो वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है। सरप्राइजिंगली एंड्रू का फोन रिंग होता है एंटोनियो के पॉकेट में, मतलब उसने ही एक्सीडेंट स्पॉट से उस फोन को उठाया था। मगर वो कहता है जब वो वहां पहुंचा था एंड्रू वहां नहीं था। काली को शक होता है कहीं एंटोनियो उन गुंडों से जुड़ा तो नहीं, कहीं वो लायरोना के झांसे में कोई कंस्पिरेसी तो नहीं कर रहा। वो उसे बंदूक से डरा के कमरे से बाहर निकाल देती है। एंटोनियो उसे बहुत बार रिक्वेस्ट करता है मगर काली नहीं सुनती। एज द रिजल्ट एंटोनियो के कमरे से निकलते ही लायरोना उस पर हमला करके उसे उठा ले जाती है। वो सच में ही एक भला इंसान था, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। अभी काली सच में अकेली पड़ चुकी थी, तो वो खुद जाती है अपने पति को ढूंढने। मगर घर से निकल पाए तब ना, लायरोना की स्पिरिट कॉन्स्टेंटली उसका पीछा कर रही थी। बीच में एक फोटोग्राफ को देखकर वो रुक जाती है। ये इस घर के मालिक की फैमिली फोटो थी, मिस्टर हर्नांडेस की। वहां उनके पत्नी के साथ साथ गैब्रिएला भी थी, मगर किसी ने उसका चेहरा खराब कर दिया था। लायरोना उस फोटो को देखकर कुछ देर के लिए इमोशनल हो जाती है, जिसका फायदा लेकर काली जाकर छुपती है बेसमेंट में। यह वेरोनिका के कमरे के एग्जैक्टली नीचे था, तो वहां से काली डैनी से बात कर पा रही थी। ठीक तभी उस पर लायरोना हमला कर देती है और वेरोनिका भागती है उसे बचाने। उसने डैनी से कमरे में रहने के लिए कहा था बार बार, मगर उसने नहीं सुना। अभी लायरोना की स्प्रेड बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसे लग रहा था डैनी ही उसकी बच्ची है जिसे पाने के लिए वो इतने सालों से तरसती रही। अभी वो किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। वो वेरोनिका को मार डालती है और डैनी को लेकर गायब हो जाती है। कार्ली ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी, मगर वेरोनिका नहीं। उसे एक आखिरी रास्ता पता है जिससे डैनी को वापस लाया जा सकता है। पता चलता है हर्नांडेस गैब्रिएला से बहुत प्यार करते थे, अपने पत्नी से भी ज्यादा। ये उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उसने गैब्रिएला पर कई बार कर्स डालने की कोशिश की। वेरोनिका के दादी ने उसे बचाया। फर्नांडेस ने अपने बेटी को एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट किया था, वेरोनिका के दादी ने उसमें कुछ पावर्स डाल दिए। जब भी गैब्रिएला मुसीबत में होगी यह म्यूजिक बॉक्स बचने लगेगा, मगर लास्ट तक वो उसे बचा नहीं पाया। गैब्रिएला को अपने सौतेली माँ के हाथ मरना ही पड़ा। फर्नांडेस ने उसे खुद दफनाए थे, किसी को पता नहीं कहा। मगर दादी ने एक बार वेरोनिका से कहा था वो जगह आस पास के किसी आईलैंड में है।
अगर लायरोना को उसकी अपनी बेटी मिल जाए तो वो शायद शांत हो जाएगी और डैनी को छोड़ देगी। इसी होप में वेरोनिका कार्ली को उस आइलैंड का नाम बता देती है और इसके तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है। कार्ली के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। वो प्रॉमिस करती है खुद से कि वो किसी भी कीमत पर डैनी को वापस ले आएगी। वो निकल पड़ती है जंगल के रास्ते जहाँ उसे फिर से वो गुंडे दिखते हैं। इस बार उन्हीं लोगों के साथ एंड्रयू भी दिखता है। इन्हीं लोगों ने एंड्रयू को किडनैप किया था उस एक्सीडेंट स्पॉट से। वो कार्ली पर भी कब्जा कर लेते हैं मगर इस बार भी एंटोनियो ही उन्हें बचाते हैं। वो किसी तरह बच गया था लायरोना के हाथ से। उसे सिर्फ बच्चों से मतलब है। अगर वेरोनिका उस पर क्रूसिफिक्स से हमला नहीं करती तो शायद वो भी बच जाती। कार्ली एंटोनियो से पूछती है उस आइलैंड के बारे में। उसका नाम सुनकर ही वो डर जाते हैं। वह काफी डरावनी जगह है, द आइलैंड ऑफ डेथ। माना जाता है लायरोना सारे बच्चों को चुरा के वहीं ले जाती है और फिर उनके सोल्स को निकाल के भर देती है छोटे छोटे डॉल्स में। कार्ली और देर नहीं करती, निकल पड़ती है एंड्रयू के साथ। मगर लायरोना भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है अपने शैतानी रूप से डराकर। उसका सामना करते हैं एंटोनियो और पेड्रो का ग्रुप, जिससे कार्ली अपने बेटे को बचा पाए। वो लोग चैनल के रास्ते चलने लगते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ उन्हें पानी में बहुत सारे डॉल्स दिखने लगते हैं। इसमें भी शायद किसी न किसी बच्चे की रूह कैद होगी। उधर आइलैंड से एक बहुत ही अजीब तरह की ब्लू लाइट निकल रही थी जो देखने में काफी डरावनी थी। फाइनली एंड्रयू और कार्ली जा पहुंचते हैं उस आइलैंड पर और बहुत ढूंढने के बाद एक जगह एक ग्रेव भी मिल जाती है उन्हें। ठीक उसी वक्त उन्हें डैनी की आवाज भी सुनाई देती है। कार्ली जाती है उसे बचाने और एंड्रयू से कह जाती है ग्रेव की खुदाई करने, क्योंकि अगर उसे डैनी मिल भी जाए उसे लायरोना के हाथ से बचाने के लिए इस लाश की जरूरत होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जैसे ही कार्ली डैनी को लेकर भागने की कोशिश करती है वहां लायरोना आ जाती है। फॉर्चुनेटली तब तक एंड्रयू भी आ पहुंचा था। वो उस लाश को जमीन पर रख देता है और लायरोना उसे पकड़कर रोने लगती है। मगर कुछ देर बाद ही उसे समझ आ जाता है उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि ये उसकी बेटी नहीं है, फर्नांडिस की पत्नी है। मगर तब तक कार्ली अपने पति और बेटी के साथ उरनछू हो चुकी थी। वो लोग कैनाल के रास्ते दूसरी तरफ जाने लगते हैं, मगर लायरोना उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो गुस्से में हमला कर देती है कार्ली पर। उसने उसे बहुत बड़ा धोखा जो दिया था। मगर एंटोनियो उसे बचा लेता है। फिर से एक बार लायरोना के पीठ में घुसा देता है क्रूसिफिक्स, जिससे उसके आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और इस जगह को आजादी मिल जाती है उसके कर्ज से। एट द फाइनल सीन हम कार्ली को देखते हैं सामान पैक करते हुए। उसका काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर आने का उनका एक मकसद तो पूरा हो गया। कार्ली पहले से काफी रिकवर कर चुकी है, अपने फैमिली और बेटी के साथ रिकनेक्ट कर पा रही है वो। और उसका दूसरा हिडन एजेंडा वो भी सक्सेसफुल रहा, जो था इस जगह को कर्ज से आजाद करना। यहाँ पर हमें पता चलता है कार्ली असल में गैब्रिएला की पोती है। उसने वेरोनिका से झूठ कहा था, उसकी ओरिजिन इसी जगह से है। इसीलिए वेरोनिका को उसका चेहरा फेमिलियर लगा था, क्योंकि वो देखने में कुछ हद तक गैब्रिएला जैसी है। फर्नांडिस के पत्नी ने उस रात उस पर हमला जरूर किया था, मगर मौत लड़ाई में उसी की हुई थी। गैब्रिएला जिंदा रही। बाद में उसने शादी की, फैमिली बनाई। उसके फैमिली में सभी को इस कर्ज के बारे में पता है। तो फाइनली कार्ली आ गई उसे मिटाने। ये म्यूजिक बॉक्स उसके दादी की ही है जो उसके माँ ने उसे दिया था। अभी ये हमेशा उसके साथ ही रहने वाली है। एंड दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगेन अ थ्रिलिंग स्टोरी विद अ वेरी लेम एंडिंग। मुझे कहानी उतनी पसंद नहीं आई टू बी ऑनेस्ट, सो आई वोंट रिकमेंड इट। सिंपल सी स्टोरी है जो आपको वीडियो से ही पता चल गई होगी। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हाँ, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।